हमारे बीच में समाज से भी जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे समाज का काम किया है, और आज भी समाज की जब भी एट्रोसिटी होती है सबसे आगे पहुंचते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हमारे बीच में जय भगवान जाटव जी। जब हम जाटव जी आज जो पूरे देश के अंदर हाहाकार मच रहा है और मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार वापस दे दो, वापस दे दो, तो ये आप कैसा समझते हैं? देखिए, जो इस सरकार की नीति और नियत है वो बिल्कुल हम लोगों को मेल नहीं खाती और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। जो इन्होंने अपना इशारा दे करके सुप्रीम कोर्ट के दो बदमाश जजों से जो इस तरह का फैसला दिलवाया है जिसमें उनका कोई राइट ही नहीं था, संविधान की समीक्षा करना केवल कोर्टों का काम है, उनका हिदायत देना या किस चीज़ को कैसे लागू करना ये भारत सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकारों का काम है। लेकिन जो ये अदालतें हैं उसमें जिसमें के सारे लोग स्वर्ण जाति के बैठे हुए हैं, वो लोग दक्यानुसी हैं, उन लोगों को इस देश की व्यवस्था का नहीं पता क्या? उन्हें पता है, वो हम लोग को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, आज हमने बता दिया, पहले भी बता दिया था, और हम एक नई चीज़ उनको बताना चाहते हैं कि वो मुट्ठी भर लोग हैं, उन लोगों को अपनी खाल में रहना चाहिए। यदि अपनी खाल से निकल करके वो बातें बाहर की करने लगे हैं तो उनको समझ लेना चाहिए कि दलित समाज की जो संख्या है, बहुजन समाज की जो संख्या है, वो इतनी ज़्यादा है कि इस ब्राह्मण को जो यहाँ पर नई दक्यानुसी चाले चल रहा है इसको चबाने में हमें देर नहीं लगेगी। मैंने तो आदेश दिया अपने समाज को, पूरा कह दिया कि ब्राह्मणों की लिस्ट बनाइए। पहले ये 4% ब्राह्मण पूरे देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि देश की व्यवस्था क्या हो गई है। हम उस समय के चमार नहीं रहे जबकि ये बातें थी, जब हम लोग इनके तलवे चाटते थे। आज हम इनके तलवे नहीं, आज हम इन्हें तलवे चटवा के छोड़ेंगे। हमने ये तय कर लिया है, इस देश में ना धन बटा, ना धरती बटी, ना कुछ हुआ। नौकरी का आरक्षण कभी पूरा नहीं हुआ, रिजर्वेशन एक्ट लिए बैठे हैं उसको लागू नहीं करते, पदोन्नति का एक तरफ से ख़त्म कर दिया। इनको क्या अधिकार है? बराबर लाने का बात करते हैं, NDC की मीटिंग होती है उसमें तय करते हैं कि 10 साल में बराबर ले आएंगे, और इधर बदमाशी करके हम लोगों को ये नया रास्ता दिखा रहे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ जाटव जी, अभी 21 तारीख को जजमेंट आया और उसके बाद में एक लड़का घोड़ा रखता था उसका कत्ल कर दिया, कि सिर्फ उसका ये था कि सम्मान से जी रहा था, घोड़े पर चढ़ कर जा रहा था। मैं जो ये हुआ है ये हमें इसका बड़ा दुख है, हम इसका बदला लेंगे और बदला लेंगे मैं अपने समाज के सब आदमियों से और अपनी भीम आर्मी से संरक्षण होने के नाते उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी हरकतों में बाज आ जाओ, नहीं तो घोड़ा हमारे बच्चा नहीं चढ़ा, तुम्हारा भी बच्चा घोड़ा नहीं, घोड़ा तो छोड़ो, तुम्हें पैदल भी नहीं चढ़ने देंगे, तुम्हारी शादियाँ हम नहीं होने देंगे। हम भी ये हालात पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम शांति चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कदम कदम के ऊपर बेइज्जती हो, हमारे साथ जुल्म अत्याचार हो। हम जुल्म अत्याचार नहीं सहेंगे। मैंने ये भी आदेश अपने समाज को दे दिया है कि आप तो घर में कुत्ता आ जाए, आपके घर में गाय भैंस कोई घुस जाए, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो अपने घर में लाठी डंडा और जो भी अपनी आत्मरक्षा के हथियार है वो पूरे तुरंत रख लेने चाहिए, क्योंकि इस देश में युद्ध की तैयारियां हो गई हैं, ये अब रुकने वाला नहीं है। ये लोग हम लोगों को इज्जत के साथ जीना देना नहीं चाहते और हम इज्जत से जिएंगे चाहे यहाँ इस देश में कुछ भी हो जाए। जाटव साहब, जानवरों का कानून बनाया जा रहा है, जानवर को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन यहाँ जीवित लोग हैं, जीवित मनुष्य हैं, जो उनका एक कवच था उसे भी इन्होंने हटा लिया गया है। हमारा कवच, मैंने अपने समाज को कहा है FIR दर्ज करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने केस आज तक हुए हैं FIR दर्ज हुए उनमें क्या हुआ? यही लोग जो हरामजादे लोग हैं, वही स्वर्ण जाति के लोग अलग अलग पदों पर लेके अदालतों से लेके नीचे तक सब जगह यही बैठे हैं, FIR दर्ज हो नहीं हो यही बैठे हैं। पहले कौन सा FIR? मैंने कहा FIR हमें नहीं दर्ज करनी है, हमें बदला लेना और उसको वहीं गोली लगे, गोली तलवार लगे तलवार उसको काट के फेंक दो और काट के फेंक दो, वो FIR दर्ज कराएगी, हमें FIR दर्ज कराने नहीं जाना है। ये मैंने अपने समाज को कह दिया है और हम लोग सब जगह तैयारी पर जुट गए हैं। हम लोग किसी तरह झुकेंगे नहीं, लेकिन हमें FIR दर्ज कराने की जरूरत नहीं,
FIR वो पार्टी कराएगी, हमें इस काबिल कर देंगे वो FIR दर्ज करे, हमें FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़े, फिर देखते हैं फैसला कैसा। ये एक घाव ठीक नहीं होता दूसरा घाव हो जाता है। अभी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम जो है वो चेंज कर रहे हैं, उसमें राम जी राव लगा रहे हैं, तो ये आपका कैसे मानना है? देखिए उनका नाम ओरिजिनल रहेगा, ये लोग तो संविधान में भी कहते हैं, ये इतने बेईमान लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनकी सरकार थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाई थी, पर उसके एम वेंकटाचलम चीफ जस्टिस रिटायर्ड उसके जज बनाए गए थे, और उस जज ने फैसला दिया, उस फैसले में 40 जज शामिल थे जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाई, वो इन्होंने कूड़े खाते में डाल दी। क्यों नहीं लागू करते? संविधान को चेंज करना कितना उसमें ठीक करना है वो बड़े से बड़े जज बता चुके, वो बेईमान नहीं करते, ये अपने आप फैसला कर रहे हैं कि हम संविधान को चेंज कर देंगे। जरा एक धारा चेंज करके दिखाएं जो शुल्क आज के हित की है, हम इनके लठ दे देंगे नीचे से, और लठ दे करके इनको बता देंगे कि किस तरह हालात होते हैं। ये दलित समाज का इन्होंने देख लिया, अब दलित समाज वो दलित समाज नहीं रहा, जिसको दलित कहते थे अब दलित नहीं रहा, अब हम लोग इनका रोल अदा करेंगे, इनके जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है इसके अंदर हम अब लठ गुजरेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हम छोड़ने वाले नहीं है। हालात जो भी होगा वो हम भुगतने तैयार हैं। मैं इस बात तक तैयार हूँ कि यदि हमारा एक नहीं 1 लाख आदमी भी मरेगा तो भी हम तैयार हैं। 35 करोड़ जनसंख्या हमारी है, हमें 1 लाख रुपए कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो ये 4% ब्राह्मण हैं हम इनमें से एक नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सारे के सारे ब्राह्मणों को हम शमशान घाट दिखा के रहेंगे, चाहे इसके ऊपर जितना भी जो भी करना पड़े, हम लोग किसे झुकने वाले नहीं।